नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है सुबह के ताजा तरीन खबरों का। बंगाल में दूसरे दौर के मतदान के लिए वोटिंग हुई शुरू। 30 सीटों के लिए डाले जा रहे हैं वोट। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के किस्मत का फैसला भी आज ही ईवीएम में होगा बंद। नंदीग्राम में शांतिपूर्ण मतदान के लिए केंद्रीय बलों की 22 कंपनियों को किया गया है तैनात। सबसे संवेदनशील एरिया के कैटेगरी में शामिल है नंदीग्राम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, 2022 से पहले वोडो समझौते में किया गया हर वादा करेंगे पूरा। हरियाणा में गेहूं खरीद आज से होगी शुरू। आढ़तियों को सरकार देगी आढ़त, किसानों का नहीं कटेगा कोई पैसा। आज से 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को लगेगा कोरोना का टीका, आप भी कर लें रजिस्ट्रेशन। आज से लागू नहीं होंगे नए लेबर कोड्स। कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और पीएफ की गणना में भी नहीं आएगा बदलाव। आज के दिन जहां वित्त वर्ष की शुरुआत होती है, वहीं आज के दिन को लोग अप्रैल फुल डे के रूप में भी मनाते हैं। झामुमो कार्यकारिणी समिति की बैठक 3 अप्रैल को होगी। हेमंत सोरेन करेंगे मधुपुर विधानसभा उपचुनाव पर चर्चा। यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को मोहाली कोर्ट ने फिर भेजा रोपड़ जेल। 12 अप्रैल को होगी अगली पेशी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी भेजने का दिया था निर्देश। बंगाल विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक धनवान उम्मीदवार ने टीएमसी छोड़ निर्दलीय नामांकन भरने वाले नाटू पाल पत्नी समेत भाजपा में हुए शामिल। मुकेश अंबानी के घर के पास मिली एसयूवी मामले में आया नया मोड़। एनआईए ने कहा, सचिन वाजे ने ही खरीदा था मुकेश अंबानी के घर के पास मिली एसयूवी में बरामद विस्फोटक। योगी सरकार ने बुजुर्ग लोक कलाकारों को दी बड़ी सौगात, अब मिलेगी 4,000 रुपए पेंशन व 1 करोड़ का स्वास्थ्य बीमा। पटना उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस संजय कोरल पहुंचे कटिहार। गोरखनाथ धाम मंदिर के साथ शहर स्थित काली मंदिर में भी की पूजा अर्चना। जिले में कोरोना की स्थिति के बारे में ली जानकारी। दिल्ली मेट्रो के लाखों यात्रियों को डीएमआरसी ने दी एक बड़ी सौगात, अब अमेजन से ऑनलाइन रिचार्ज का उठाएं लाभ। राजस्थान उपचुनाव की सरगर्मी हुई तेज। स्टार प्रचारकों की सूची में वसुंधरा राजे का नाम 5वें नंबर पर। तो सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी आए एक मंच पर। गांधीग्राम सचिवालय में 56 व आईआईएम अहमदाबाद में 100 कोरोना संक्रमित मिलने से प्रशासन की नींद उड़ी, जिसके बाद प्रशासन ने लिए कई अहम फैसले। उत्तराखंड हाईकोर्ट का निर्देश, हरिद्वार महाकुंभ क्षेत्र में रोजाना कराए जाए 50,000 कोविड टेस्टिंग, प्रशासन हुई सतर्क। उड़ीसा के पिपली विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने जारी किए 30 सदस्यीय स्टार प्रचारकों की सूची। लद्दाख के उपराज्यपाल आरके माथुर ने नए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सभी स्कूलों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधीन लाकर क्षेत्र में शिक्षा को मजबूत करने पर दिया बल। इंदौर की पूर्व महापौर मालिनी गौर ने मध्य प्रदेश के सीएम चौहान को पत्र लिखकर इंदौर में जल संपत्ति कर और कचरा संग्रह शुल्क बढ़ाने का किया विरोध। चंडीगढ़ नगर निगम में नौकरी का आया सुनहरा अवसर, 172 पदों पर निकली भर्ती। 8 अप्रैल तक नगर निगम की वेबसाइट पर ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। सोनू सूद और इनाली फाउंडेशन ने शक्ति हर हेल्थ अभियान के तहत लड़कियों को मजबूत बनाने का लिया संकल्प। मौसम विभाग ने कहा है कि इस वर्ष 3 महीने तक भीषण गर्मी के लिए रहें तैयार, मौसम विभाग ने जारी किया अनुमान। यूपी के बलिया में प्रधान बनने के लिए तोड़ दिया ब्रह्मचारी रहने का प्रण, बिना मुहूर्त शादी रचाई, अब पत्नी लड़ेगी प्रधान का चुनाव। 2 करोड़ की मोटी रकम देकर इंग्लैंड के ओपनर जेसन राय को सनराइजर्स हैदराबाद ने किया साइन। बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर की वाइफ मीरा राजपूत ने इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहते हुए अपने फैंस के साथ गुलकंद के फायदों के साथ एक रेसिपी किया शेयर, जो गैस्ट्रिक के बीमारी में है कारगर। यूपी के सुल्तानपुर से दिलीप कुमार की रिपोर्ट। जनपद न्यायाधीश संतोष राय की संरक्षता में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुल्तानपुर की उपस्थिति में देव ऋषि देव कुमार न्यायिक मजिस्ट्रेट सुल्तानपुर द्वारा ई जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया।
जिसमें 5 वादों को उनके जुर्म स्वीकार किए जाने पर किया गया रिहा। यूपी में क्लास 1 से 8 तक के निजी और सरकारी स्कूल 4 अप्रैल तक रहेंगे बंद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। यूपी के सुल्तानपुर से दिलीप कुमार की रिपोर्ट। हालियापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक जनपद सुल्तानपुर विपुल कुमार श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। यूपी के संभल से सीताराम कुशवाहा की रिपोर्ट। संभल में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी होली को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के बाद पुलिस वालों की हुई होली, जिसमें पुलिसकर्मी झूम कर नाच गाकर। इस मौके पर एसपी चक्रेश मिश्रा ने भी रंग गुलाल से सराबोर होकर खाकी की होली की खुशियों को चौगुना कर दिया। देवरिया पुलिस की एसओजी टीम स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की सरकारी गाड़ी कोतवाली से हो गई चोरी, जिसके बाद लोग कह रहे हैं जब कोतवाली में पुलिस की गाड़ी सुरक्षित नहीं तो आम जनता की कैसे होगी सुरक्षा उठ रहे हैं कई सवाल। हिमाचल प्रदेश के सोलन से महेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। सोलन में नगर निगम चुनाव चल रहे हैं, जिसके लिए सभी पार्टियों के उम्मीदवार जनता के बीच जाकर अपने अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। इस दौरान वार्ड नंबर 17 से कांग्रेसी प्रत्याशी सरदार सिंह, वार्ड नंबर 1 के कांग्रेसी प्रत्याशी विक्रम सिंह और वार्ड नंबर 8 से भाजपा प्रत्याशी पवन गुप्ता ने अपने समर्थकों के साथ प्रचार कर आम लोगों से वोट मांगा। तो ये थी सुबह की कुछ ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।